नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज। समय हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा ये पार्टी बीजेपी केवल झूठ और भ्रष्टाचार की है, लोगों ने इन पर बहुत यकीन किया, लोगों को इनसे बहुत उम्मीद थी, लोगों के मन में था कि ये अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार देंगे, लेकिन ये सरकार इसमें विफल साबित हुई है। बता दें कि यूपी में दो चरणों में कई सीटों पर मतदान हो चुका है, वहीं तीसरे चरण में भी राज्य की कई सीटों पर चुनाव के लिए मतदान होना है। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत पक्की करने में जुटी है। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। मोदी लहर में भी इस सीट से भाजपा कभी जीत नहीं पाई। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा था और इस उपचुनाव में डिंपल ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। क्या आप क्या कहना क्या चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए? केवल झूठ और भ्रष्टाचार की ये पार्टी है, लोगों ने इन पे बहुत यकीन किया, बहुत उम्मीद थी, लोगों ने सोचा कि आम जन का ये मत था कि ये आए और ये अच्छा शासन चलाएं और ये लोगों को सुविधा पहुंचाएं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं करें, रोजगार दें युवाओं को, लेकिन मैं समझती हूँ पूरी तरह से विफल आज की तारीख में सरकार साबित हुई है। मैनपुरी से क्या रिकॉर्ड बनने वाला है? मैं को लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है, मैं सभी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।